गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड. टुडे वी कंप्लीट अवर क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 जो हमारा था. उसमें मैंने आपको दो एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइज करवा ली थी. आज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है व्हाई इज़ लाइफ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ. तो हमारा जो जीवन है ओनली फॉर पृथ्वी पर ही क्यों संभव है, इसका आंसर यहाँ पर मैंशन किया हुआ है. बिकॉज अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट विच हैज़ एयर एंड वाटर ऑन इट. क्योंकि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी और हवा दोनों है, इसलिए हमारा जो जीवन है वो पृथ्वी पर ही संभव है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट फेसेज ऑफ द मून. तो द डिफरेंट फेसेज ऑफ द मून में फुल मून, हाफ मून और क्रिसेंट मून तीन लिखने हैं. और इसकी यहाँ डायग्राम बने हुए फुल, हाफ और क्रिसेंट. ये सेकेंड वाले डायग्राम आंसर में आपको डायग्राम बनाना है. ओके फिर थर्ड वाला है Why do star appear to twinkle? Star जो है वो twinkling की तरह हमें क्यों दिखाई देते हैं. तो because star light come down to the earth. क्योंकि star की जो light होती है वो पृथ्वी पर जब पड़ती है तो the earth through different layer of the earth. तो उसकी जो light जब पृथ्वी पर पड़ती है तो different layer में बहुत, क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर है तारे, तो different layer में वो जो light पड़ती है इसलिए वो हमको twinkling करती हुई दिखाई देती है. फिर name the different planet in the solar system. तो डिफरेंट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम में आपको देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, ये सोलर सिस्टम का डायग्राम और यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं. तो इस तरह से आपको ये डायग्राम भी बनाना और ये नाम भी आपको लिखने हैं. नाम आपको आप अलग भी लिख सकते हैं, डायग्राम में भी लिखना है और अलग भी लिख सकते हैं आप. तो यहाँ पर अपना जो ये चैप्टर 10 था वो कम्प्लीट हो चुका है. और ये आपको चार ही क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन वन लाइन का डिफरेंस आपको करके और अच्छे हैंड राइटिंग में काम करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.